डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का आइडिया बेसिकली जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, ये कॉन्सेप्ट उसके बाद आया. पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं एक एमएनसी में कुछ टाइम के लिए फॉर अ ईयर आई थिंक काम कर रही थी, और ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी टाइम के दौरान आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए. हमने ये स्टार्ट किया है अप्रैल 2016. तो इनिशियली हमने एक ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया फेसबुक पे. ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई, और वो भी हमने ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 मंथ्स किया. और जब मुझे लगा कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तब जाके एक फिज़िकल स्टोर का आइडिया आया. हमारा मेजरली लाइक हम ट्रेडिशनल जो कश्मीरी लाइक तिल्ला एंड आरी वर्क है, उसको मॉडर्न आउटफिट्स में ब्लेंड करके वी आर प्रेजेंटिंग मॉडर्न आउटलुक देके आउटफिट्स. तो डिजिटल फैब्रिक्स पे वी गेट दिस तिल्ला एंड ऑल वगैरह है, आरी वर्क विद वेलवेट्स है. ऑफ 2.5 ईयर्स ऑफ सेटिंग अप द स्टोर और ये जो काम का, ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक स्मूथ रही है. ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं थे और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपोजिशन नहीं था. जब आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बाकी इन्वायरमेंट है, जो आपकी सोसाइटी है, उसका असर कहीं ना कहीं कम हो जाता है. सरप्राइज थे और थोड़े रिलक्टेंट थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में, दे वर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जॉब्स कर रहे थे, और बिजनेस का उतना ज़्यादा हमारी फैमिली में रहा नहीं है हिसाब किताब. थोड़ा सा मुश्किल रहा उनको कन्विंस करना. जो भी डिसीजन लिया और जो भी डिसाइड किया करने को, दे हैव बीन ऑलवेज देयर. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कभी, चाहे अपने फादर इन लॉ से, चाहे अपने मदर इन लॉ से, कभी ऐसा नहीं सुना कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ. अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सपोर्टिव, और मुझे नहीं लगता, बिकॉज उनको शायद इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको पहले से पता है कि मैं क्या करती हूँ. और मेरा काम ऐसा है जहाँ पे ऑब्वियसली जब आपका अपना काम है, वहाँ टाइम का कोई फ्रेम नहीं आता, कोई भी आपका वर्किंग आवर्स बन सकते हैं. हमारी जो रेंज है, जो प्राइस रेंज है, वो मीडियम से लेके हायर रेंज तक जाता है, जहाँ पे लोग सामने आ रहे हैं. मे बी रीज़न यही है कि जो आज का यूथ है, जो आज की जनरेशन है, वो बाकियों को काम करते हुए देख रहे हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का है. अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है, अगर आपको पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, आप अपना टैलेंट रिकग्नाइज करके उसमें बहुत आगे जा सकते हैं. मदर तो सपोर्ट पूरा हमने दिया, पापा ने भी दिया, मैंने भी दिया. जब इसकी प्रोग्रेस मैंने देखी तो उसका काम अच्छा चल रहा है, उसका फील्ड अच्छा है, मेहनत कर रही है. और अब आज के दौर में मुझे भी लगता है, जब मैं कॉलेज में थी तब हम बच्चों को बोलते थे कि इस फील्ड में जाओ, तो मगर कोई असर नहीं होता था. मगर आज हम देखते हैं कि बच्चे खुद इस फील्ड में आ रहे हैं. आजकल तो गवर्नमेंट जॉब्स तो मिलते ही नहीं है, बजाय इसके कि वो घर में बैठे, उससे अच्छा है कि कोई काम करे अपने इंटरेस्ट का, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो. हर एक को अपने टांगों पे तो खड़ा होना ही चाहिए. मुझे नहीं लगता डिपेंडेंट होना आज के टाइम पे, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, डिपेंडेंट होना इज नॉट एन ऑप्शन. इट्स नॉट एन ऑप्शन, एटलीस्ट इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी. आप अपने टैलेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जो आप में हुनर है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है वो सब भी एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए.